हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु कुमार प्रजापति यूवी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज अपनी कुछ पुरानी यादें यानी बीती हुई कुछ कहानी सुनाते हैं टिकटॉक से रिलेटेड, कि मैं टिकटॉक में कैसे वायरल हुआ था, कैसे फेमस हुआ था और उसके बाद मैं कैसे फिर से वैसे का नॉर्मल हो गया, फेमस होने के बाद नॉर्मल। तो चलिए उस कहानी को आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों, बात क्या हुई थी, टिकटॉक जब मैंने इंस्टॉल किया, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं, तब आज से 3 साल पहले की बात है, टिकटॉक इंस्टॉल कर लिया और टिकटॉक पे 2-4 वीडियो ऐसे ही बनाता था, तो ज़्यादा नहीं 20 लाइक 30 लाइक ऐसे आते थे वीडियो में। और फिर धीरे धीरे 2-3 महीना ऐसे वीडियो बनाया तो मेरे 3000 फॉलोअर्स हो गए थे, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, या ये देख लीजिए, इधर स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हुआ क्या था, ऐसे वीडियो बनाते बनाते मैं एक सॉन्ग देखा था माधुरी दीक्षित जी का, तू शायर है मैं तेरी शायरी, तो उसमें माधुरी दीक्षित जी ने अपना फिंगर को ऐसे से घुमाया था। दोस्तों, मैंने उस फिंगर को ट्राई किया धीरे धीरे करते 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 2-3 महीना लग गए उसको सीखते सीखते, मैं उसको सीख गया। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, टिकटॉक पे ही मेरे 3000 फैंस हो गए थे, तो मैंने उस पर एक गाना था बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, वो उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, स्क्रीनशॉट ये है, आपको दिखा देता हूँ। उस गाने को मैंने उस गाने पे मैं बनाया और बना के वीडियो छोड़ दिया 5-6 दिन के लिए, वीडियो 5-6 दिन के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद 5-6 दिन के बाद एक दोस्त का फ़ोन आया, दोस्त ने देखा उस वीडियो को और मेरे पास शेयर किया व्हाट्सएप में कि यार विष्णु, तुम्हारी यार टिकटॉक में वीडियो ट्रेंडिंग चल रही है और उसमें यार 1 लाख व्यू है और 10,000 लाइक है, तो यार मुझे विश्वास तो नहीं हुआ। फिर मैंने टिकटॉक ओपन किया, देखा तो मेरे प्यार 1 लाख व्यूज, 10,000 लाइक्स और कुछ फॉलोअर्स, 3-4 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए 5 दिन के बाद। फिर धीरे धीरे करते करके दोस्तों, 2 महीने के अंदर इतनी तेज़ी से वायरल हुआ था कि 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 फॉलोअर्स आने लगे। और सारे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दिखाता जाऊँगा आपको, देखते जाइएगा। और धीरे धीरे करते करते 2 महीने के अंदर उसमें 4 लाख पार हो गए थे फॉलोअर्स, 4 लाख बिल्कुल से पार हो गए थे। मेरे टिकटॉक आईडी का नाम था विष्णु कुमार 111। फिर धीरे धीरे हमने उस आईडी को स्नेक फिंगर बॉय के नाम से बनाया, फिर उसके बाद फिंगर स्टाइल बॉय के नाम से बनाया, तो इसी बीच में थोड़ा सा अपना डिसबैलेंस गड़बड़ा गया, लोग जान नहीं पाते थे वही है या वो नहीं है, तो इसके बीच हम थोड़ा सा पीछे रह गए और आज भी पीछे ही हैं। अभी फिर से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो ऐप्स का नाम है MX टकाटक, चिंगारी ऐप्स, रोपोसो और इंस्टाग्राम पे तो बनाते ही हैं, और जोश और मोज, सभी ऐप्स में हम वीडियो बनाते हैं। और अभी वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला था मुझे टिकटॉक से, एकदम मज़ा आ गया था, धाकड़ एकदम सपोर्ट मिला था कि वीडियो डालो तुरंत वायरल होने लगती थी। तो आज उसी का गम है, नहीं तो हम भी मुंबई में आज कहीं पर रह रहे होते। जब 20 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर जब 4 लाख फैंस हो सकते हैं, तो 4 महीने में 8 लाख हो सकते हैं, और जब ज़्यादा होते तो और ज़्यादा होते, और जहाँ 1 मिलियन पार हो जाते तहाँ तो हर लोग जानते, मीडिया वाले भी जानते सब कुछ करके। तो मीडिया वाले भी हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, हम बीते हुए कल हैं, आज तो कुछ नहीं है, जो भी है पहले थे अभी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ अंदर ही है, जो भी टैलेंट है जो भी हुनर अंदर। लेकिन जब हमारी वीडियो लोग बूस्ट करेंगे, यूट्यूब वाले बूस्ट करेंगे और हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी तो हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी, लोग हमें जानेंगे। जब हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो लोग हमें कैसे जानेंगे, बताइए। तो देखिए भैया, आप यूट्यूब वाले हों या किसी भी ऐप्स वाले हों, तो देखिए अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि भाई साहब देखिए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें सपोर्ट ना मिले तो यार ये तो गलत बात है ना। हाई देखिए भाई साहब, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो
हमारा तो कोई पनीर, देखिए मैदान सब अच्छा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिए यार। डीके ना तलवार की धार से ना गुरु की बौछार से बन डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइए, और भी कुछ है जो आपको सुना सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप सपोर्ट करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, मैं जरूर आपको सुनाऊंगा और जो भी कुछ मुझे आता है मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए और हमारे साथ समय बिताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विष्णु कुमार प्रजापति यूपी से। Everybody shake it, baby.